देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। ठंड और शीतलहर के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार तटीय इलाके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और बिहार के कई इलाकों में शीतलहर चलेगी। इससे तापमान गिरने के चलते ठंड और बढ़ेगी। चलिए आपको बताते हैं कि ठंड के कारण कहां और कब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और शीतलहर के असर के चलते राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कक्षा 9 से 12वीं तक की एक्स्ट्रा क्लास जारी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कक्षा 5 तक स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। ग्वालियर कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सर्दी और शीतलहर के कारण 7 जनवरी तक प्राथमिक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा सतना में भी 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में डीएम के आदेश अनुसार सभी बोर्ड के स्कूलों में 4 से 7 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यूपी मैनपुरी में 14 जनवरी तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पंजाब की बात करें तो वहां के स्कूल 13 जनवरी 2023 तक सर्दी की छुट्टी के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान में 25 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हुई जो कि 5 जनवरी तक जारी रहेगी। बता दें इस साल राजस्थान बोर्ड ने गर्मियों की छुट्टियां कम करके शीतकालीन छुट्टियों को बढ़ा दिया है। सर्दियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी सभी स्कूलों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों की क्लासेस सुबह 10 से 2 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में भी ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड को देखते हुए पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पटना के डीएम ने 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लोकमत हिंदी।